इस समय की बड़ी खबर पूरे भारत को लेकर सामने आ रही है। भारत के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं तो जनाब इस खबर को ध्यान से सुनिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पूरे भारत के हर एक कोने में इस खबर को जो है वो पहुंचाने का काम भी जो है वो जरूर कीजिएगा। इस समय की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि 22 जनवरी को लेकर मोदी सरकार द्वारा जो है वो छुट्टी का ऐलान पूरे भारत में जो है वो कर दिया गया है। यानी कि 22 जनवरी का एक ऐसा दिन यहां पर जो है वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन वहां पर जो है वो किया जाने की वहां पर कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। लेकिन ऐसे में आपको बताने चले कि इस प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे देश में जो है वो छुट्टी दिए जाने का ऐलान मोदी सरकार ने कर दिया। चाहे आप भारत के किसी भी कोने में ताल्लुक रखते हैं तो आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी कि 22 जनवरी को पूरे देश में जो है वो आधे दिन की जो है वो छुट्टी रहेगी। केंद्र सरकार ने इस बात का ऐलान जो है वो कर दिया है, जिसमें आपको बताने चले कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को पूरे देश में आधे दिन की जो है वो छुट्टी रहेगी 2:30 बजे के बाद। और उसके बाद आपको बताने चले कि इस बात का आदेश मोदी सरकार ने 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी का जो है वो ये आदेश जो है वो जारी कर दिया है, जिसमें आपको बताने चले कि इस मोदी सरकार की तरफ से जारी किए गए जो नोटिफिकेशन जो ऑर्डर है इसके मुताबिक तमाम कर्मचारियों की जो भारी भावना है और उसको उनके अनुरोध के कारण केंद्र सरकार ने जो है वो ये आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। और आपको बताने चले कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरे भारत में केंद्र सरकारी जो कार्यालय है, जितने भी सरकारी दफ्तर है या फिर जितने भी सरकारी जगहें हैं वहां पर यानी कि जितने भी सरकारी दफ्तर है वो जो है पूरे तरीके से बंद रहेंगे। और ये 22 जनवरी को दोपहर 2:30 पर तक जो है वो आधे दिन की ये छुट्टी रहेगी। बता दें कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोग जो है वो ताकि प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसको जो है वो सीधा लाइव दे सके। काफ़ी सारे लोग जो है वो ये बार बार मांग कर रहे थे कि जनाब प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो है वो छुट्टी होनी चाहिए। और ऐसे में इसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की बात करें तो उनका भी शुक्रिया अदा करना होगा और साथ साथ मोदी सरकार का, जिन्होंने एक बड़ा कदम जो है वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर जो है वो उठाया है और इस दिन के लिए आधे दिन की छुट्टी दिए जाने का ऐलान मोदी सरकार द्वारा यहाँ पर कर दिया गया है। और आपको बताने चले कि 22 जनवरी को यहाँ पर जो है वो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वो काफी जश्न के साथ वहां पर जो है वो मनाया जाएगा। लेकिन इसी बीच अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में भी ये जो है वो छुट्टी आधे दिन की रहेगी। ऐसे में लगातार लोगों की बात करें तो लोग ये मांग कर रहे थे कि जनाब 22 जनवरी के दिन जो है वो अवकाश होना चाहिए, ऐसे में ताकि हम लोग घर में बैठे अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसको घर में बैठे देख सके। लेकिन ऐसे में मोदी सरकार ने 22 जनवरी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है और जिसमें आपको बताने चले कि अब 22 जनवरी के दिन जो है वो तमाम सरकारी दफ्तर जो है बंद रहेंगे। और इस बीच साफ तौर पर यह कहा गया है कि आधे दिन की छुट्टी जो है वो उस दिन के लिए यहाँ पर जो है वो रख दी गई है। आप जनता भी अपने इस पर जो है वो सुझाव जरूर दीजिएगा, लेकिन और बताइएगा कि मोदी सरकार द्वारा ये कदम जो उठाया गया है इसको लेकर आप जनता का क्या कुछ कहना है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।